नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 21 जुलाई 2018 की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो ALP रेलवे ग्रुप डी SSC और बैंक इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ पर जरूर से ऐड हो जाइए, मैं वहाँ पर आपको PDF सेंड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। और दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे द्वारा अनअकैडमी पर अपलोड किए गए लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार 2019 में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन गई है, ब्रिटेन, रूस, चीन या इजराइल? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, ब्रिटेन। जी हां दोस्तों, हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2019 में भारत जो है ब्रिटेन देश को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाए जाने हेतु लोकसभा द्वारा हाल ही में कौन सा विधेयक पारित किया गया? आर्थिक भगोड़ा अपराधी विधेयक 2018, आर्थिक अपराध नियंत्रण विधेयक 2018, आर्थिक घेराबंदी विधेयक 2018 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, आर्थिक भगोड़ा अपराधी विधेयक 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या है डी, म्यांमार। और म्यांमार के जो आपके राष्ट्रपति हैं जो हाल ही में नियुक्त हुए, उनका नाम है बिन मिंत। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जल्द ही 100 रुपये के नए नोट जारी किए जाने की घोषणा की गई, इसके पृष्ठ भाग में से कौन सा चित्र अंकित है, भारतीय गेंडा, कुतुब मीनार, भारतीय मोर या रानी की बाव? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या है डी, रानी की बाव। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीत लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में के लेखक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, डॉक्टर कुंवर बेचैन, गोपाल दास नीरज, कृष्ण कुमार राय या आचार्य लक्ष्मीकांत? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या है बी, गोपाल दास नीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा किनारे से कितने मीटर के दायरे को नॉ डेवलपमेंट जोन घोषित किया, 100 मीटर, 100 मीटर और 100 मीटर? गलती से चारों ऑप्शन आपके एक ही लग गए हैं। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर आपका 100 मीटर हो जाएगा, या तो आप इसे कर लीजिए 200 मीटर, तीसरे ऑप्शन कर लीजिए आप 300 मीटर और चौथे ऑप्शन को कर लीजिए आप 400 मीटर। हमारे ख्याल से ये जो हमारे एडिटर हैं उनने गलती कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स चैम्पियन नीरज चोपड़ा ने फ्रांस में आयोजित सोते बिले एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता, रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या है स्वर्ण पदक। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फ्रांस में आयोजित सोते बिले एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने फिर से प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर अमेरिका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आपको हम बता ही चुके हैं कि मुख्यालय कहाँ है, दी हैग नीदरलैंड में, और नीदरलैंड की राजधानी आपकी एम्स्टर्डम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में से शिकायत दर्ज कराई, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल या चीन? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, ईरान। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अशरफ गनी, और सॉरी दोस्तों, ईरान के जो आपके राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हसन रूहानी। क्या है दोस्तों? हसन रूहानी। और ईरान की जो आपकी राजधानी है वह है आपकी तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस देश द्वारा टैरिफ लागू करने और ट्रेड वॉर की धमकी के बीच यूरोपीय संघ ने जापान के साथ अब तक के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत, अमेरिका, जापान या चीन? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? बी अमेरिका। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इनकी बेटी का नाम है इवांका ट्रंप, जो लास्ट ईयर भारत दौरे पर आई हुई थी। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आपकी किस पार्टी से संबंधित है? वो आपकी रिपब्लिक पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास उमई तिब्बत में मानव रहित स्वचालित मौसम निगरानी केंद्र की स्थापना की? चीन, भारत, नेपाल या रूस? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए चीन। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। और प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। जी हाँ दोस्तों, चीन देश ने अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। कौन दोस्तों? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के आपके जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके बी डी मिश्रा। तो अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास युमई तिब्बत में मानव रहित स्वचालित मौसम निगरानी केंद्र की स्थापना की कौन से देश ने? वो है आपका चीन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका ये रहा क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जल्द ही 100 रुपये के नए नोट जारी किए जाने की घोषणा की गई, इस पृष्ठ भाग में कौन सा चित्र अंकित है? भारतीय गेंडा, कुतुब मीनार, भारतीय मोर या रानी की वाव? तो इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।